सर मैं मेल चेक करा था, अभी तक आपका मेल नहीं आया सर। वो मैं आपको कल तक जी भेज सर, देता हूँ। हाँ एक बार आप सर कंफर्मेशन मेल भेज दीजिए, उसके बाद मैं सर काम स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर, ये काम का मुझे बहुत जरूरत था। बस थोड़ा टाइम सर का देख नहीं लेना। सर, विद इन टाइम हो जाएगा, एक बार आपका मेल आ जाएगा सर काम स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको कल का कल ओके सर, ठीक कंफर्मेशन मेल भेज देता हूँ, और आप सर, 200 टक ओके ओके बाय। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में कल से 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। सभी से अनुरोध है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जाओ बेटा जाओ, तुम लोग खेलो। पापा प्लीज। बोला ना पापा। जा भाई, अब बच्चों भी चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला नहीं रहा हूँ, नाराज हूँ खुद से भी और इस गवर्नमेंट से भी। इन्होंने तो आके बोल के चले गए कि 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन इससे पहले सोचे कि हम जैसे का क्या होगा, जो रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं उनका क्या होगा। कम से कम एक हफ्ते का टाइम दिए होते, लोग अपने घरों में पहुंच जाते, अपने परिवार के साथ रहते थे, और इसी में एक हफ्ते में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भी आज मेरे हाथ में होता। लेकिन तुम नहीं समझोगे छोटे, क्योंकि जब कमाने लगोगे और परिवार की जिम्मेदारी आएगी ना, तब तुम समझोगे कि ये लॉकडाउन से फायदा है या नुकसान। भाई सच में कहना आसान है, आप जो कह रहे हो ना कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे के फिर लॉकडाउन किया होता, तो एक हफ्ते में ये लोग अपने घर तक पहुंचते या नहीं पहुंचते, लेकिन कोरोना उनके साथ जरूर पहुंच जाता। रही बात लॉकडाउन के फायदे या नुकसान के, तो भाई लॉकडाउन से ना सिर्फ फायदा ही है। अगर आप घर में रहोगे ना तो सुरक्षित रहोगे, और आपकी जिंदगी के साथ साथ आपको परिवार का भी साथ मिलेगा। रही बात ये बच्चों पे चिल्लाने की, तो चिल्लाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला भाई, लेकिन हाँ बच्चों के साथ अगर खेल लोगे ना तो उनको जरूर खुशियां मिल जाएंगी।